पहाड़ा वाली शेरा वाली त्रिपाल से रखवाली को त्रिपाल के द्वारा सिंचाई विभाग ने इसको रोका हुआ है और ये कब तक रुकेगा? पिछले साल भी रुका हुआ था, इस बार भी इसको रुका हुआ है, बरसात में पानी इसमें न भरे। शेर करते थे परिक्रमा, कोसी में जाएंगी समा। गंभीर है, माननीय मुख्यमंत्री से भी मेरी वार्ता हुई थी, उन्होंने भी उस बात को स्वीकारा है कि अयोध्या मंदिर है, जो पौराणिक मंदिर है, उसके लिए तुरंत ही कार्रवाई की जाएगी। कुदरत का प्रहार, सिद्ध पीठ में आई दरार। कई वजह से ये जो मंदिर के चारों तरफ के टीले में एक ये दरार भी आई है, तो ये दरार भी भरते जाती है, उनमें पानी भरता है। गिरेगा गार्जिया मंदिर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेज और मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। देवभूमि में एक देवी का मंदिर खतरे में है, सिद्धपीठ गर्जिया देवी मंदिर संकट में है। नदी के बीचों बीच इस रहस्यमय मंदिर के जमींदोज होने का खतरा मंडरा रहा है। जिस टीले पर गर्जिया देवी मंदिर में स्थित है उसमें दरार पड़ गई है और वो लगातार बढ़ती जा रही है। गर्जिया मंदिर के टीले की दरारों को सालों बाद भी नहीं भरा गया है, ना ही इसे लेकर अब तक कोई ठोस कदम उठाया गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर दरार को नहीं भरा गया तो मंदिर कभी भी भर भराकर गिर सकता है। आखिर इस पौराणिक मंदिर में दरारें क्यों पड़ रही हैं और इसे रोकने के लिए क्या किया जा रहा है, इसे जानने के लिए हमारी टीम ने गर्जिया मंदिर देवी का रुख किया और वहां से आपके लिए तैयार की ग्राउंड रिपोर्ट, देखिए। नदी के बीचों बीच एक टीले पर बना और त्रिपाल से ढका ये रहस्यमय मंदिर खतरे के साए में है। रामनगर से 10 किलोमीटर दूर कोसी नदी के बीच 100 फीट ऊंची चट्टान पर स्थित ये मंदिर माता पार्वती यानी कि गिरिराज हिमालय की पुत्री गिरिजा देवी को समर्पित है। पौराणिक मान्यताओं वाला ये सिद्धपीठ संकट में है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस मंदिर को सफेद रंग के त्रिपाल से क्यों ढका गया है। दरअसल इस ऐतिहासिक मंदिर के टीले में दरार आ गई है और इसकी सुरक्षा के लिए त्रिपाल का सहारा लिया जा रहा है। अभी हम खड़े उत्तराखंड के रामनगर में, जहां गर्जिया देवी मंदिर स्थापित है और काफी प्राचीन मंदिर है। आपको मैं पीछे दिखाना चाहता हूं कि मंदिर का जो टीला है इसमें दरारें काफी आ चुकी हैं और इसको सिंचाई विभाग के द्वारा ट्रीटमेंट किया गया है। और आप ये देख सकते हैं सफेद त्रिपाल यहाँ पे लगाए गए हैं जिससे कि इन दरारों में जो मंदिर का टीला है उसमें पानी ना घुसे। लेकिन जब से ये दरारें यहाँ आई हैं तब से मंदिर के टीले को काफी खतरा बन चुका है और जो है राज्य सरकार भी जो है इसको बचाने का प्रयास कर रही है। हमारे साथ मंदिर के मुख्य पुजारी जी हैं जो यहाँ पे मंदिर में रहते हैं, उनसे आइए बात करते हैं कि किस तरीके की दरारें आई हुई हैं और क्या ट्रीटमेंट यहाँ पे किया जा रहा है। पंडित जी, कितना टाइम यहाँ पे हो चुका है दरारें आए हुए और जो है राज्य सरकार जो है किस तरीके का काम यहाँ पे कर रही मंदिर को बचाने के लिए? ये मंदिर का जो टीला काफी बड़ा था पहले, उसी के ऊपर में काफी बड़े पेड़ भी थे, पहाड़ काफी बड़ा था, ये टीला काफी बड़ा था और समय के साथ साथ यहाँ पर बाढ़ भी आती है और अभी कुछ सालों से बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं जिस वजह से कोसी नदी में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी आ रहा है जो मंदिर के ऊपर तक पहुंच रहा है। अभी लोगों ने इसका वीडियो देखा है हालों में, तो यहाँ पर ये बादल फटने की घटना की वजह से ये जो मंदिर का टीले में हिट किया गया है पानी के द्वारा और उस 2-3 साल लगातार ऐसा हुआ है, तो इसमें जो मंदिर को काफ़ी नुकसान पहुँच रहा है और जिसके क्रम में ये दरार आई है। गर्जिया माता मंदिर लाखों हिंदुओं की श्रद्धा का केंद्र है, लेकिन अब इसके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। प्राकृतिक आपदा की वजह से टीले में दरार पड़ने लगी है।
2010 में आई बाढ़ से गर्जिया मंदिर के टीले में हल्की दरार आई थी। 2021 में आई बाढ़ में टीले की दरार बढ़ गई, जो अब लगातार बढ़ती जा रही है। बढ़ती दरारों की वजह से पहाड़ी कभी भी दरक कर गिर सकती है। खतरा है और यहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में यात्री लोग आते हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए, और ये एक चिंता की बात भी है क्योंकि बाढ़ भी आ रही है और जो मंदिर का जो पेड़ है, पेड़ों में भी काफी लोपिंग होती है, लेकिन वहाँ पर दरारें बढ़ते जा रही है। पंडित जी, जो तिरपाल जो है कब से लगाया गया है यहाँ पे सिंचाई विभाग के द्वारा, जो है सिंचाई विभाग जो कह रहा है कि हमने ये एस्टीमेट बना दिया है इसका, क्योंकि काफी लंबा समय हो चुका है दरारें आए हुए। यह 14-15 साल से हम देख रहे हैं दरार में, और यहाँ पर ये बीच बीच में ऐसा हुआ है कि यहाँ पर कई अधिकारी भी आए हैं सिंचाई विभाग के, कई बार आए हैं, कई बार उन्होंने इसका निरीक्षण किया है, इसका दौरा किया है। अब आगे को क्या कार्रवाई है यह हम सरकार से जानना चाहते हैं। यह गर्जिया मंदिर का टीला एक नाजुक पॉइंट पर पहुंच चुका है। श्रद्धालु मंदिर के पुनर्निर्माण की मांग कर रहे हैं। सरकार दावा कर रही है कि मंदिर की सुरक्षा के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। गर्जिया माता मंदिर का दरार भरने के लिए सिंचाई विभाग को आदेश दिए गए हैं। फौरी तौर पर दरारों को भरने का काम किया जाएगा। IIT रुड़की की एक टीम भी मौके का मुआयना करेगी। निरीक्षण के बाद मंदिर के टीले को सुरक्षित करने पर रिपोर्ट बनाई जाएगी। सरकार और प्रशासन दोनों गंभीर हैं। जो स्थिति वहाँ बनी है उसके लिए फिलहाल उसकी सुरक्षा के लिए तिरपाल वगैरह की व्यवस्था कर दी गई है, और उससे पूर्व में भी अधिकारियों के माध्यम से और जो हमारे रुड़की के टेक्निकल है उन लोगों ने भी आकर उसका सर्वे किया है, उसको देता है, और उसके लिए प्रस्ताव DPR वो बन के शासन को जारी है। और इसमें जो हमारा ये मंदिर माला वर्णम मंदिर माला है उसमें भी गंजिया को शामिल करने की बात हुई है। तो मैं सोचता हूँ कि जो बहुत आवश्यक है और सरकार भी उसमें गंभीर है। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मेरी वार्ता हुई थी, उन्होंने भी उस बात को स्वीकारा है कि गंजिया मंदिर है, जो पौराणिक मंदिर है, उसके लिए तुरंत ही कार्रवाई की जाएगी। मंदिर के जीर्णोद्धार में 9,23,00,000 की लागत आएगी। कहा जा रहा है कि बजट आवंटित होते ही गर्जिया देवी मंदिर का पुनर्निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। मंदिर में अंदर जाके तो दर्शन करके अच्छा लगा, पर आप जैसे देख सकते हो कि पूरा वाइट ढका हुआ है। मंदिर की सुंदरता ही हमको देखने से नहीं मिल रही है बाहर, और जहाँ तक मुझे पता चला कि यहाँ पे दरारें आई हुई है, अगर ज्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ हो गई है तो मेरे ख्याल से ये तो टूट भी सकता है। तो आई थिंक उत्तराखंड गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए इस मंदिर के लिए। अगर इतना प्राचीन मंदिर है और माता रानी का इतना माना है कि लोकल लोगों में बहुत मान्यता है, तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को जरूर एक्शन देना चाहिए। जो दरारें आ रखी हैं उसके लिए हमने जब पूछा तो मेरे ख्याल से वो इशू चल रहा है अभी, और आई थिंक सरकार को यहाँ पे कुछ करना चाहिए उसके लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में मंदिरों के लिए चलने वाली वर्णमाला योजना में भी गर्जिया देवी मंदिर को शामिल किया है, लेकिन उसके बावजूद मंदिर को बचाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं।